हेलो गाइस, आज मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हाउ टू ओपन ए एक्सआरए। एक्सआरए खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पर। सो गाइस, आप इसे पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही समझ में आएगा। सबसे पहले हम जो आप वीडियो में देख रहे हैं उसे एक्सआरए स्कैनर कहते हैं। इसे बहुत ही ज़रूरी है एक्सआरए खोलने के लिए। ओके गाइस, अब गाइस हम लोग एक्सरे प्रिंटर को दिखाने वाले हैं। अभी जो इससे पहले दिखाए थे वो एक्सरे स्कैनर है, उसके बाद एक्सरे प्रिंटर जहाँ से रिपोर्ट रिलीज होती है। गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इस टाइप की होती है गाइस। देन आफ्टर गाइस एक्सरे प्रिंटर एक्सरे स्कैनर के बाद अब हम लेके आए हुए हैं एक्सरे एक्सपोजर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एक्सरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, जिसमें गाइस हमें एक्सपोजर का ज़रूरी पड़ता है। इसी से हमें, मान लीजिए हमें रिपोर्ट निकालना है हैंड का, तो हम हैंड पे चले जाएंगे, जो जो कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में हैंड है। उसके बाद हमें निकालना होगा फुट पे, तो फुट पे चले जाएंगे। और भी जिस पार्ट को लेना है उस यहाँ पे वो सिस्टम अपडेटेड है, उस पर क्लिक करके हम उस इसको प्रिंट निकालेंगे गाइस। और आपको वन बाय वन सारा वीडियो लाएंगे जो कि इस टाइप का दिखती है एक्सरे एक्सपोजर। थैंक्स गाइस, अब और लेके आते हैं एक्सरे बेड, जो कि आपको दिख रही होगी सामने, ये एक्सरे बेड है। अब और एक पार्ट है गाइस जो कि एक्सरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है एक्सरे स्टैंड, जिसे हम यूज के लिए चेस्ट एक्सरे के लिए और भी अदर एक्सरे के लिए लाते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। थैंक्स गाइस, जो कि गाइस हमें एक्सरे करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कैसेट का जरूरी पड़ता है, जो कि एक यह एक लार्ज कैसेट है और यह एक स्मॉल कैसेट है, जिसमें गाइस हमें डिवाइड करने के लिए एक डिवाइडर का जरूरी पड़ता है, जो कि यह डिवाइडर है। इस साइड हम रख के स्कैन कर सकते हैं और देन आफ्टर हमें इस साइड भी करने के बाद स्कैन कर सकते हैं। ओके गाइस, ये सारे चीज पार्ट जरूरी पड़ती है सबसे पहले, और देन आफ्टर हमें रिपोर्टिंग के लिए एक सिस्टम का जरूरी पड़ता है, जो कि सिस्टम है गाइस। और उसके बाद हमें वन बाय वन सारा चीज का नाम ले रहे हैं। यह एक एक्सरे स्कैनर है, यह प्रिंटर है गाइस, और यह बेड है, वो चेस्ट स्टैंड है, एक्सरे स्टैंड है, एक कैपिटल एंड अ स्मॉल कैसेट है, और वो डिवाइडर है गाइस। और ये एक, जो कि गाइस हमें एक्सरे करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कैसेट का जरूरी पड़ता है, जो कि एक यह एक लार्ज कैसेट है और ये एक स्मॉल कैसेट है, जिसमें गाइस हमें डिवाइड करने के लिए एक डिवाइडर का जरूरी पड़ता है, जो कि यह डिवाइडर है। इस साइड हम रख के स्कैन कर सकते हैं और देन आफ्टर हमें इस साइड भी करने के बाद स्कैन कर सकते हैं। ओके गाइस, ये सारे चीज पार्ट जरूरी पड़ती है सबसे पहले, और देन आफ्टर हमें रिपोर्टिंग के लिए एक सिस्टम का जरूरी पड़ता है, जो कि सिस्टम है गाइस। और उसके बाद हमें वन बाय वन सारे चीज का नाम ले रहे हैं। यह एक एक्सरे स्कैनर है, यह प्रिंटर है गाइस, और यह बेड है, वो चेस्ट स्टैंड है, एक्सरे स्टैंड है, एक कैपिटल एंड अ स्मॉल कैसेट है, और वो डिवाइडर है गाइस। और ये एक एक्सपोजर मशीन है, जो कि आपको इस टाइप का दिख रहा होगा, इसी से रिपोर्टिंग किया जाता है।